प्यारे दोस्तों, एक मुस्लिम शख्स को गैर मुस्लिम ने जहाज से समंदर में फेंक दिया। उसके बाद उसके साथ क्या मौजूदा हुआ, जिसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है, अब हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाएगा तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम सब आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती है। सामान के मुकाबले में सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा, एक जो नया सौदागर है, यानी एक जो ताजिर है, वो बिल्कुल नया है और वो काफी सामान अपने साथ लेकर आया है, उसका सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो उससे हम सब डूबने से बच जाएंगे और उसका जितना सामान है उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले के क्यों, सब सवार है तो मेरे अकेले के सामान ही क्यों। सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, इस पर नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबके जाने भी बच जाएंगी। लेकिन सब ताजिरों ने उस नए सौदागर यानी नए ताजिर के खिलाफ बगावत करते और उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वो ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिरकार थक हार कर वो बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदर के लहरों ने उसे किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहाँ आदम न आदमजात का दूर दूर तक कोई ठिकाना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक के वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटने के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर ताजिर के गुजर गए। उस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वहाँ से पानी पीता रात के सर्दी और दिन के गर्मी से बचने के लिए। सौदागर ने जंगल से लकड़ी काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचाया जा सके। एक दिन हुआ यूं, जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गिला। अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था आग जलाकर। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी तो जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, चीखने लगा, या अल्लाह, मेरे साथ ही क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सारी मुसीबतें सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों। अक्सर हम लोग भी शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों आते हैं। ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने उसको भी जलाकर राख कर दिया, या अल्लाह, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ, या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर ही क्यों आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उस जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसमें देखा जो उसे लेने के लिए आए थे।
उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो खुश था, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे। उस अनजान जगह पर तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पास ये लोग कैसे आ गए, उनको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने ये बातें बता दी। सौदागर ने उस जहाज वालों से पूछा, भाइयों एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, आखिर तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मिल गया, ये तो बिल्कुल अनजान अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया कि हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इस तरह से इशारे देता है, तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहाँ पर आए, तुम्हारी मदद के लिए हम यहाँ पर आ गए। ये सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा, और उसने अपनी कहानी उन जहाज वालों को सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो सौदागर ने बताया कि किस तरह से नाजायज तरीके से सौदागरों ने उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया, समंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। दोस्तों अब जो लोग जान बचाने के लिए आए थे उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज के बारे में बता रहे हो, तो हम आपको बता दे कि वो जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दी और पूरा सामान लूट लिया और उस जहाज पर सवार सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए, पता नहीं तुम अकेले कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ये सुनते ही जारो कतार रोने लगा और सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं, तू जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है, बस हम ही बेसब्र हो जाते हैं और हमारे अंदर सब्र ही नहीं होता है, वरना बाद में पता चल ही जाता है। या अल्लाह तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाए तो आप डरे नहीं, आप ख्वाब ज्यादा ना हो, बस इतना यकीन रखे कि हर चीज में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान ले कि खुदा आपका अच्छा इंतजाम कर रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो और ये वाकया पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दे। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।